तंत्रानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। रेलवे यात्री अब फ़ोन कॉल पर बुक कर सकेंगे टिकट, आवाज़ से होगा पेमेंट। आइए जानते हैं पूरी खबर। अब ट्रेन टिकट बुक करना आसान हो गया है। IRCTC, NPCI और कोरओवर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में UPI के लिए कॉन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट सर्विस लॉन्च की है। ये नई सुविधा जो पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट है, भारतीय रेलवे के ग्राहकों को अपनी आवाज़ का उपयोग करके या कॉल पर अपनी UPI ID या मोबाइल नंबर टाइप करके IRCTC पर ट्रेन टिकट के लिए पेमेंट करने की अनुमति देती है। ये सारा काम भारतीय रेलवे के लिए AI वर्चुअल असिस्टेंट आस्क दिशा के ज़रिए होगा। ग्राहक बोलकर न सिर्फ टिकट बुक कर सकेंगे बल्कि पेमेंट भी कर पाएंगे। अब जानते हैं कि कैसे काम करता है ये नया फीचर। तो जब कोई मोबाइल नंबर दिया जाता है तो कॉन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली संबंधित UPI ID प्राप्त करता है और उपयोगकर्ता के डिफ़ॉल्ट UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट रिक्वेस्ट शुरू करता है। आसान और फ्लेक्सिबल पेमेंट एक्सपीरियंस सुनिश्चित करने के लिए ये फीचर यूज़र को ट्रांजैक्शन टाइम लिमिट के भीतर अपना मोबाइल नंबर या UPI ID अपडेट करने की भी सुविधा देता है। कुछ कंपनियों का कहना है कि ये तकनीक UPI का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान करने वाला ये पहला कॉन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट सिस्टम है। ये सिस्टम न केवल भाषा संबंधित परेशानियों को दूर करता है बल्कि ट्रांजैक्शन को पहले की तुलना में तेज़ और ज़्यादा सुलभ बनाता है। ये सिस्टम कोरओवर के वॉइस इनेबल भारत GPT के साथ स्मूथ और सुरक्षित ट्रांजैक्शन प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए पेमेंट गेटवे के API का उपयोग करता है। ये सिस्टम अलग अलग भाषाओं में इनपुट का सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम हिंदी, गुजराती और अन्य भाषाओं में भी काम कर सकता है। NPCI ने इस फीचर को इनोवेशन ड्रीवन के रूप में पेश किया है। ये फीचर यूज़र को क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट जैसे अलग अलग पेमेंट ऑप्शन चुनने की सुविधा देता है। इसके अलावा UPI और भारत GPT से लेस ये कॉन्वर्सेशनल वॉइस पेमेंट IRCTC और भारतीय रेलवे के लिए AI वर्चुअल असिस्टेंट आस्क दिशा के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। अब यूज़र सिर्फ अपनी आवाज़ का उपयोग करके टिकट बुक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान, तेज़ और ज़्यादा सुविधाजनक हो जाती है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।